लौटते खबरों पर, प्रयागराज में बच्चे बेचने की खबर आ रही है और इस खबर से हड़कंप मच गया है। इस खबर के फैलने के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये मामला है कंटोनमेंट जनरल अस्पताल का। महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई, पैसे मांगने पर प्रसूता का पति पैसों का इंतजाम करने बाहर गया और इस दौरान परिवार द्वारा बच्चा बेचने की खबर फैल गई। अस्पताल प्रशासन भी खबर सुनते ही प्रसूता का इलाज फ्री में करने पर आ गया, साथ ही नवजात को पालने के लिए महीने में 2000 रुपए देने की भी बात करने लगा। वही परिवार वालों ने बच्चा बेचने की इस बात को अब अफवाह बताया। उनकी बच्चा भी नहीं था ना। पहले तो नहीं लगता था सर, जब पहले हम भर्ती थे, हमारा जब पहला बच्चा खराब हुआ था, हम भर्ती थे तब नहीं लगता था। उधर देते तुम, अब पैसा कौन मांगा? अब की जब आए तब की नर्स खुद बोली है की यहाँ पे 6000 रुपए लगेगा, तो जब इन्होंने इतना बोला था तो इन्होंने फोन किया, बोला था तो भेजे कि हम कह जाओ वहाँ मोहल्ले में जो ब्याजी पैसे देते हैं उनसे ले आओ। कल वो आई 11 बजे के अराउंड, उसका ऑलरेडी वो मतलब लेबर स्टेट पेन में थी, बच्चा उसका ऑलमोस्ट बाहर आ चुका था, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए अस्पताल ने बिना पैसे वैसे किसी की चीज भी चीज़ की डिमांड ना करते हुए पहले औपचारिकता पर ध्यान दिया। उसका बच्चा हो गया, उसका पति बोला 2 बजे के अराउंड ये बोला कि मैं जा रहा हूँ पैसे लेके आता हूँ, लेकिन वो नहीं आया। 4:30-5 बज गया फिर भी नहीं आया। जब हम लोगों ने प्रेशर डाला कि अभी तक भाई फॉर्मेलिटीज क्यों नहीं पूरी हुई हैं, तब पता चला कि वो अपने बच्चे को बेचने की बात कर रही है कि मैडम, क्योंकि उसका एक बच्चा हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उसके पास उसका इलाज कराने का भी पैसा नहीं है, तो पता चला कि वो इस वजह से उस बच्चे को बेच रही है कि हमारे पास मैडम इलाज कराने का ही पैसा नहीं है, तो हम इसका पैसा कैसे देंगे। जब ये बात ये सूचना हम तक आई तो हम लोगों ने उसका सारा ट्रीटमेंट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि भाई ठीक है, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, ये सब काम ना करे, अपने बच्चे को ना बेचे, इलाज के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अस्पताल उससे पैसे नहीं लेगा।